नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दिन है सोमवार और टाइम 11 बजने वाले, मतलब 10:30 के लगभग हो रहे। हमारी घड़ी आगे ही रहती है, तो इस वजह से सुबह का अपना मैंने सारा काम निपटा लिया। साफ़ सफाई वगैरह, झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते जो भी था सारा कुछ मैंने अपना कर लिया। थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की, सोफे थोड़े से इधर से इधर की है क्योंकि इधर घिचपिसी हो रही थी। ये वाला बेड इधर किया मैंने, इस वाली साइड, और ये सामान इधर रखा। थोड़े से कपड़े कल रह गए थे प्रेस के, बाकी तो रख दिए थे, कर दिए थे, 5-4 रह गए थे, वो लेट हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो अब तो मैं लेटती हूँ, तो इधर भी ये हो गया। उस वाले रूम को मैं तो कुछ नहीं किया, सिर्फ साफ़ सफाई की, और ये तो इधर से सारा खाली है, सब कुछ ठीक है, और कपड़े धुल गए हैं। मौसम हो रहा है ख़राब, आगे मौसम खराब हो रहा है तो कुछ कपड़े तो स्टैंड पर डाल ले, कुछ डाल ले यहाँ पर ऊपर रेलिंग पे, क्योंकि जाना था। फिर मैंने कहा कभी बारिश आ जाए। क्या थके थके से लग रहे? थका नहीं हूँ। अच्छा, चाय बनाऊँ क्या? और करके चलेंगे, सुबह ही कर ही जाते हैं। मैं बनाई रही थी जब भी, उस टाइम भूख नहीं लगती सुबह जल्दी ना। चलिए जी, सुबह बच्चों के लिए बनाया था नाश्ते में, स्कूल के लंच के लिए बनाई थी भिंडी और रोटी थी साथ में। और आज ना उधर जा तो रहे, मंडी चलेंगे, फ्रूट लेकर आने बच्चों के लिए, सब्जी नहीं लानी ठीक है? तो क्योंकि बच्चों के स्कूल में जाना, आज है कृष्णा का डेमोन्स्ट्रेशन डे, तो वहाँ जाना है, तो मैंने ये डाला है सूट। अरे मेरे पे सूट बना दो कॉटन के, सारी गर्मियाँ निकल गई नी सूटों में। देख अब इन्हें सुनने का नहीं, बिल्कुल नहीं सुनने का, जब मैं कहूंगी ना कुछ बना भी, देते हैं, बना देते हैं। बस बना देते हैं, बना देते हैं। रोज मैं बोलूं, मैं बना दो। अभी 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 हम अपने व्यूवर के लिए काम कर रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो मतलब आप लोग बीवी भी कुछ नहीं अब नहीं है, वो भी काम फिर वो भी है, तो आप लोगों को भी अगर पेंटे बनवानी हो तो पेंटों का काम हमने स्टार्ट किया है, न्यू लॉन्च किए हैं पेंटे, बहुत ही अच्छी प्लाजो अच्छी पैंट है, कभी पेंट आप जेंट्स प्लाजो, वाली पैंट जेंट्स समझ वाली लो। ओनली लेडीज, हाँ जिसमें प्रिंट भी आएंगे, डिजाइनर भी आएंगी, सिंपल भी आएंगी, और कपड़ा बहुत ही बेहतरीन वाला कपड़ा होगा, जिसका नाम है गीजा साटन, मतलब एक होता है ना जैसे हमें नहीं पता भी साइनिंग क्या वाला कपड़े जो के फैब्रिक बारे आता में। है, हाँ एक लाइक्रा है, लाइक्रा की भी हम बना रहे हैं पेंटे। चलो अच्छा है, तो नया काम शुरू कर रहे, जल्दी उससे संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को शेयर करेंगे ठीक है? उसके लिए अलग से एक छोटी सी हम क्लिप डालेंगे 2-3 मिनट की। जिसमें आपको बता देंगे ये कि क्या क्या इन्होंने बनाया, कैसा कैसा बनाया, क्यों बनाया, कहाँ बनाया, कब बनाया, कितना खर्चा आया, कैसा कैसा सारी चीजें। तो आजकल प्यो के डैडी जाते ही व्यस्त चल रहे। उधर गए थे मकान पे, क्या चल देख रहा है बताने दिखा दूंगा के लिए, मतलब जाके ही देखूंगी अभी तो तो ही पता लगाई चल रही है, लगेगा। कल से मिस्त्री लग जाएंगे, आज बारिश हो रही थी तो लगे आज भी मिस्त्री कह ही रहे थे। तो खैर ये वाला मैंने सूट डाला, और आज मैंने ना इसके साथ के मैचिंग कड़े डाल लिए, मैंने मीशो से मंगवाए थे। लगे हैं तो ये बड़े बड़े से, क्योंकि मैं पहनती नहीं ना, बड़े बड़े से ही है, तो ऐसा लग रहा है हाथ में जैसे पता नहीं क्या पहन रखा है। तो लाइट वेटेड बिल्कुल, पर देखने में अनगढ़ से लग रहे मुझे, पर अच्छे लग रहे हैं। तो खैर चलिए जी, मैं फटाफट से बनाती हूँ नाश्ता इनके लिए और अपने लिए, फिर हम लोग चलते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे हम स्कूल में आ गए थे बच्चों के, और आज कृष्णा का डेमोन्स्ट्रेशन डे था। और ये बच्चे देखिए यहाँ पे सारे अपने अपने जो उनकी लाइंस है वो बोल रहे हैं, और ये बच्चे यहाँ पे एनिमल्स बने हुए हैं। और जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, जैसे जैसे देखिए बैकग्राउंड में उनकी फ़ोटो लगी हुई है, कृष्णा की भी है, और ये इनके स्कूल का स्टाफ है जिनकी की यूनिफॉर्म है। और बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इस तरीके से कोई ये डेमोन्स्ट्रेशन डे वगैरह जो है हमने किया था। तो आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ढीली लग रही होगी, असल में मेरे इसका कारण ये है कि जो मेरे पापा जी हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो एक छोटी सी क्लिप मेरे पास है उनकी, वो मैंने वीडियो के लास्ट में लगाई है। और आज कई दिन से वैसे उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रखा था, प्लेटलेट्स भी उनके डाउन थे। तो उनको फिर मतलब घर से ही अपने वहीं से ही दवाई खाते रहते हैं, आपको पता ही है बड़े बुजुर्गों का क्या है, मम्मी की भी थी और पापा जी की भी। तो कल ही मेरा भाई आया था पूना से, बल्कि वो इसके क्या बोलते हैं जन्माष्टमी के बाद ही गया था। तो उसके बाद फिर वो आया वापस इसी वजह से कि भाई मम्मी पापा जी की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पे उनको दिखा देंगे।
डॉक्टर के यहाँ। कल वो परसों रात आया, वो दिल्ली, और कल सुबह वो घर आया था। तो कल मतलब था उसका आने का, लेकिन क्योंकि वो थक रहा था तो इतना नहीं आ पाया। लेकिन आज सुबह पापा जी की तबीयत जो है वो एकदम से बहुत ख़राब हो गई। उनको सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स भी डाउन हो रखी थी पहले भी बहुत ज़्यादा, और फिर बाद में उनको वही है कि देखिए बढ़ता शरीर है तो दिक्कत पे दिक्कत कुछ ना कुछ होती ही है। तो इस वजह से फिर मतलब ये सांस की दिक्कत मेरे पापा जी को भी है, और ये हमारे ना थोड़ी सी जेनेटिक है ये दिक्कत। मेरी मम्मी को हाई बीपी की दिक्कत है तो आशु का हाई बीपी रहता है, और मेरे पापा जी को लो बीपी और सांस फूलने की दिक्कत है। वो दिक्कत मुझे होती है, मेरा बीपी लो होता है और सांस फूलती है मेरी भी। तो खैर देखिए यहाँ पे अभी तो बच्चों का चल रहा है, और ये कृष्णा है जो कि इसको कितना ही बोल दो स्कूल में कि भाई आराम से खड़े होना, लेकिन ये हम लोगों को देख के इतना ओवर एक्साइटेड हो जाता है ना, फिर इसके याद ही नहीं रहता कि इसे क्या बोलना था क्या करना। और इसीलिए हम लोग सबसे पीछे छुप सी के बैठे थे कि भाई इसको हम दिखे ना, लेकिन इसकी नज़र वही है ना कि इसकी नज़र ही वहीं पे ही थी, ये वहीं देखता रहा। तो खैर जी इसके बाद हम लोग फिर थोड़ी देर वहाँ पे रुके, फिर हम लोग गए मंडी। पहले भी तो जो नमी नमी लगा गिर रहे हैं और अब यहीं से एकदम ज्यादा उनसे हो गया। ऐसे मुझे क्यों ओ इधर से हाउस में जो चल जाएगी उसमें से लेंगे। काट के खाना काट
ये घर आ गए हैं हम लोग, और स्कूल से आते हुए हम मंडी में भी गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ सेब मिली। ये दो तीन पार्सल आए हुए रखे थे मेरे, ये लेके आई, बुटीक पे भी गई थी मैं, और कृष्णा आया था, कृष्णा रह गया उधर ही आशु के पास ही। तो अभी 2 बज गए पूरे। अब भिंडी बन रही है, कुछ और बनाऊँ खाने में, क्या करना? भिंडी ठीक है। रोटी से एक दिन बस बच्चे आएंगे ना? हाँ। तो बच्चे आएंगे 3 बजे, आप नहीं अभी खाते? चाय वगैरह बनाओ, कुछ चाय बनाओ, अभी कोई नहीं है, फिर रेस्ट कर लो थोड़ा सा, थोड़ी देर में जब कहोगे फिर चाय बना दूंगी। तो अभी बच्चों का वेट करूंगी, जब बच्चे आएंगे तभी रोटी बना के दूंगी। धूप निकल गई है अच्छी, जो कपड़े हैं ऊपर वो भी डाल के आऊंगी बाहर की साइड, तो सूख जाएंगे वो। यहाँ पे जो थे स्टैंड पे वो तो मैंने कर दिए। सुबह जब गए बिल्कुल बादल, और उससे पहले बिल्कुल सुबह तो काला हो रखा था बिल्कुल। जब 6 बजे उठे ना, 6 बजे देखा बाहर, बिल्कुल काला हुआ पड़ा था मौसम, ऐसा हो रहा था जाना आज तो पूरा ही बरसागा। अब थोड़ी देर जब बच्चे, वैसे नहीं बरसा, जब बच्चे गए उस टाइम बरसा, और उसके बाद बस फिर नॉर्मल कुछ भी नहीं। अब धूप ऐसी निकल रही जैसे बिल्कुल ही, रास्ते में इतने बादल हो रखे थे। तो खैर चलिए जी, बच्चे आते हैं, बच्चों का वेट करते हैं, तब तक मैं देखती हूँ कुछ और काम कर लूँ। चाय वगैरह दूंगी ना, अभी तो मना कर रहे, थोड़ी देर में कहने लग जाएंगे चाय दे दो। खैर चलिए, पहले मैं भी कपड़े चेंज करूँगा। तो पहले तो जी देखिए, ठीक है, मेरे पापा जी और ये मुलाना हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा भाई इनको लेके मुलाना आया, पहले तो उसका ये था कि चलो मैं टेस्ट वगैरह करवा दूंगा, आना तो उसको था ही मुलाना, मम्मी और पापा जी दोनों को ही लेके, और वो इसी वजह से स्पेशल पूना से वापस आया है, वर्क फ्रॉम होम लेके आया है वो 1-1.5 महीने के लिए, कि मैं घर पे ही रहूँगा और मम्मी पापा जी को डॉक्टर वगैरह के, क्योंकि ये दिखाते नहीं अपने आप को हमारे मम्मी पापा जी ना, मतलब जितना इनसे खींचता है उतना ये खींचते हैं। और ये देखिए अब, और सुबह के टाइम जिस टाइम उनको लेके आए ना, उस टाइम तो पापा जी की दिक्कत इतनी ज़्यादा थी, उनको आते ही इमरजेंसी में ही उनको उन्होंने एडमिट किया, और अब भी मेरे पापा जी ICU में ही हैं। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये अभी ही शाम की ही है, जब पापा जी को थोड़ा सा रिलैक्स सा था, और आप मेरे पापा जी की शक्ल से देख रहे होंगे, मैं ना मतलब मेरे पापा जी कहते हैं ना कि एक लड़की के लिए उसके जो पापा होते हैं वो सबसे फर्स्ट हीरो होते हैं, पर मैं सही में बताऊँ मैं अपनी मम्मी के इतने क्लोज नहीं हूँ जितनी मैं अपने पापा जी के हूँ। और मेरे पर ना ये वाली वीडियो अपने पापा जी की देखी नहीं जा रही थी, यहाँ पे तो ये मैंने थोड़ी स्लो में चला रखी है, लेकिन जब मेरे भाई ने मुझे भेजी ना तो मेरा ऐसा हाल ख़राब हो रखा था, मतलब मैं क्या कहूँ क्या नहीं, और इसी वजह से आज वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो गया। फिर मैंने कहा चलिए भैया आप लोगों के साथ भी मैं इस चीज़ को शेयर करती हूँ, आप लोग भी ब्लेसिंग दीजिएगा, प्रे कीजिएगा कि जो मेरे पापा जी हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएं, क्योंकि देखिए माँ बाप के बिना जीवन में कुछ नहीं है, और इस टाइम पे हमें इन लोगों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पड़ाव है ना जीवन का, इसमें जितने बड़े अपने साथ रहे ना उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप थी, ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि मेरे पापा जी जो हैं वो मतलब ठीक हो जाएं। मम्मी को भी दिक्कत है लेकिन पापा जी को इस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत है, और वो देखिए यहीं पे ही आई है ICU में ही मुलाना। तो खैर जी जो भी होगा आगे अपडेट, मैं सोच भी रही हूँ कि मैं कल को जाऊँगी मिलने, क्योंकि आज हमें ही कुछ कन्फर्म नहीं था, फिर बच्चे भी स्कूल में जा रहे थे, नहीं तो अगर हमें सुबह ही पता लग जाता तो हम बच्चों की छुट्टी करवा के फिर हम जाते हैं आज ही, लेकिन हमें पता बाद में लगा था और बच्चे स्कूल गए हुए थे, फिर बच्चों को भी पीछे छोड़ के नहीं जाया जा सकता था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग कल को यानी कि बुधवार को जाऊंगी मैं भी और पियू के डैडी, और बच्चों को देखते हैं जैसे भी बच्चों की सेटिंग होगी, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। जो भी आगे अपडेट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर चलिए जी, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर, कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्रे कीजिएगा कि मेरे पापा जी जो है वो जल्दी ठीक हो जाएं, और भगवान करे सबके माँ बाप सदा सलामत रहें, सदा खुश रहें, क्योंकि माँ बाप के बिना जीवन में कुछ नहीं है।